अस्सलाम वालेकुम, अनी खान है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर इफ यू आर समवन हु इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज या फिर आप क्रिप्टो ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना जरूरी है। बाइनेंस का अकाउंट बनाया किस तरह से जाता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इसके अलावा बाइनेंस का अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि बाइनेंस है क्या। बाइनेंस बेसिकली एक ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां पर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी दूसरे बंदे से अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर पेमेंट्स वगैरह क्रिप्टो करेंसीज के अंदर रिसीव कर सकते हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आएंगे जिनके पास क्रिप्टो करेंसी के अलावा कोई भी दूसरा पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना जरूरी है ताकि आप अपने क्लाइंट से क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव कर सको। सो रिसेंटली मुझे भी कुछ इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ा जहां पर मेरे क्लाइंट के पास क्रिप्टो के अलावा कोई भी दूसरा पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं था। सो इस सिचुएशन के अंदर मुझे बाइनेंस की जरूरत पड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी वीडियो बना ली जाए। सो बाइनेंस का अकाउंट बनाना इंतहाई आसान है। बाइनेंस का अकाउंट बनाने के लिए आपको जस्ट एक CNIC चाहिए होगा। CNIC के अलावा आपको बाइनेंस का अकाउंट बनाते हुए एक लाइव सेल्फी लेनी होगी, और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी जो कि आप सब लोगों के पास मौजूद होगी वो है गूगल का अकाउंट। तो ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होंगी बाइनेंस का अकाउंट बनाने के लिए। अगर आप अंडर 18 हो तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर का CNIC यूज़ कर सकते हो, और जब आप बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आप सेल्फी भी उन्हीं की ले सकते हो, और गूगल अकाउंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो बाइनेंस का अकाउंट बनाना इंतहाई आसान है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर, और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है बाइनेंस। तो यहाँ पर आपको बाइनेंस की ऐप मिल जाएगी, तो आपने इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई है बाइनेंस की ऐप। तो यहाँ पर आपको साइनअप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने सिंपली साइनअप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर दो तरह से आप साइनअप कर सकते हो, साइनअप विद ईमेल और फ़ोन नंबर, या फिर साइनअप विद गूगल। तो यहाँ पर मैं साइनअप विद गूगल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं अपना गूगल अकाउंट चूज करूंगा, और उसके बाद हम क्रिएट योर अकाउंट वाले पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर आपने कंफर्म करना है अगर आपके पास कोई रेफरेंशियल ID वगैरह है। ओके, आपका अकाउंट यहाँ पर सिंपली क्रिएट हो गया। इतना इजी सा प्रोसेस है इस बाइनेंस की ऐप को अकाउंट क्रिएट करने का। अच्छा, उसके बाद इनेबल पास की है, तो ऐड पास की वाला ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आपने सिंपली अपने जो मोबाइल के फिंगरप्रिंट्स हैं उनको यूज़ करना है वेरिफिकेशन के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा बाइनेंस का अकाउंट बन गया है। तो उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा वेरिफिकेशन वाले स्टेप के ऊपर। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, आपने अपना CNIC और बाकी सारी डिटेल्स इंटर करनी है। याद रखिएगा, अगर आप अंडर 18 हो तो आप बाइनेंस का अकाउंट नहीं बना सकोगे। आप फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर की डिटेल्स, यानी भाई, बहन, फादर या मदर की डिटेल्स को यूज़ करके बाइनेंस का अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ से मैं सिंपली कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी है तो पाकिस्तान। उसके बाद आपने अपना लीगल नेम इंटर कर लेना है। लीगल नेम से मुराद जो आपके नेम आपके CNIC के ऊपर मौजूद है, वो नेम आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना लीगल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर लिया है। उसके बाद आपने सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है और कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस आपने वो लिखना है जो कि आपके CNIC के ऊपर मेंशनड हो। उसके बाद आपने अपना पोस्टल कोड इंटर कर लेना है। पोस्टल कोड आपको गूगल से भी मिल जाएगा, तो आपने सिंपली यहाँ पर अपना पोस्टल कोड इंटर कर लेना है। पोस्टल कोड आपको इसके अलावा पाकिस्तान पोस्ट की वेबसाइट से भी मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सिटी इंटर कर लेना है, और हम कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने ID कार्ड के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हो, या फिर पासपोर्ट, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ID कार्ड ही होगा, तो यहाँ पर मैं ID कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ।
सो यहाँ पर आईडी कार्ड की इमेज से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हो, जिसके मुताबिक आपने आईडी कार्ड की क्लियर फोटो लेनी है, आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए और ये सारी डिटेल्स हैं। ये सर इस पर्पज़ के लिए है कि इन केस अगर आपका कल को बाइनेंस के अकाउंट आपसे हैक हो जाता है, कुछ भी इशू आता है, तो आप उसको रिकवर कर सको। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कुछ परमिशंस हैं जो कि आपने यहाँ से उनकी एक्सेस देनी है, और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिर आपने अपने आईडी कार्ड को फिट करना है और यहाँ से अब फोटो ले लेनी है। और फिर इसी तरह से आपने आईडी कार्ड की बैक की फोटो भी ले लेनी है। CNIC की फ्रंट और बैक की फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं, तो मैं सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद लाइवनेस चेक है, यहाँ पर आपने अपनी सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेते हुए आपका ख्याल रखना है कि आपने ग्लासेस ना पहनी हो, आपने हैट ना पहनी हो और आपका फेस बिल्कुल क्लियर आ रहा हो। यहाँ पर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओपन योर माउथ, गुड, शेक योर हेड, गुड, नॉड योर हेड। सो यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, उनको फॉलो करते हुए आपने कुछ पोस्चर्स देने होते हैं और उसके बाद आपकी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट क्रिएट हो गया, और यहाँ पर मैं गो टू होम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अब हम आ चुके हैं अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर। यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, लेकिन हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन पेंडिंग है। यहाँ पर मैं अगर अपनी प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेटस जो है यहाँ पर पेंडिंग है। ये विद इन वन डे या फिर समटाइम फ्यू आवर्स के अंदर ही वेरीफाई हो जाएगा, तो कुछ टाइम लेगा ये वेरीफिकेशन के अंदर, तब तक आपने वेट कर लेना है। सो जैसे ही आपका बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाई होगा, तो आपको बाइनेंस की तरफ से ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल की ईमेल आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी बाइनेंस की ऐप के अंदर वेरिफिकेशन सेंटर में जाओगे, तो यहाँ पर भी आपको अपना स्टेटस वेरीफाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये जो बाइनेंस का अकाउंट है ये बिल्कुल रेडी है, ये वेरीफाई भी हो गया, और अब आप बाइनेंस को यूज़ कर सकते हो किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए, इसके अलावा कोई पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने के लिए, सेंडिंग के लिए, क्रिप्टो सेंडिंग के लिए। तो ये था कंप्लीट मेथड बाइनेंस का अकाउंट बनाने का, और लिटरली मुझे तकरीबन 10 मिनट्स के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद बाइनेंस की तरफ से वेरिफिकेशन सक्सेसफुल की ईमेल आ गई थी। सो आप ऑलमोस्ट 10 टू 15 मिनट्स के अंदर अंदर बाइनेंस का अकाउंट बना के वेरीफाई कर सकते हो, समटाइम ये एक दिन भी ले लेते हैं। तो ये था कंप्लीट मेथड बाइनेंस का अकाउंट बनाने का। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।